महाराज हम लोग पूरे पश्चिम और दक्षिण की इस दिशा में शिकार खेल दिए, लेकिन उत्तराखंड बाकी है। चला जाए उत्तराखंड चल करके हम लोग शिकार खेलें। आखिर चलिए उत्तराखंड खेलने के लिए। उत्तराखंड होगा कि उत्तराखंड होगा रे? अरे नहीं, उत्तराखंड जाना है। चले क्या तू, चले तो हमारे जी जंगल में महाराज को हाथ से तलवार लेकर के हम लोग गायब, ताकि इसको खा जाएगा और इसके बाद चलिए चलो चलिए महाराज आगे बढ़िए। पानी 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 पानी, हे भगवान हे भगवान, मुझे छोड़कर मंत्री लोग कहाँ चला गया जंगल से? चारों तरफ बाघ और हरिण सिंह है, हो सकता है किसी जंगल से निकलकर मुझे खा जाएगा। मेरा बेटी सुशीला और मेरा शंकर बेटा कैसे रहेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? कोई है जो मुझे एक चूहा पानी पिला देगा? क्या राजा, अब पानी पीजिएगा क्या? हाँ, मैं पानी पीने के लिए ठीक है, मैं पिला रही हूँ, पानी पीजिए। क्या पानी लेकर? उठिए राजा, आज जंगल में एक नारी मुझे पानी पिलाने के लिए आ गई। दे दो अपने हाथों की पानी, मैं तुम्हारे हाथ से पानी मैं जरूर पी लूंगा। आज सती तू अपने हाथों से पानी मुझे पिलाया, आज मांगो तू अपने दिल खोलकर, मैं तुमको देने के लिए मैं तैयार हूं। अब तू जाबा तरता
जंगली हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिजली बंजारन नाम है। क्या तुम्हारा बिजली बंजारन नाम है? हाँ। मांगा तो कुछ नहीं और मांग दिया तो बहुत कुछ। क्या चुटकी भर सिंदूर चाहिए? हाँ राजन। लेकिन बगैर सत का तुम सिंदूर नहीं ले सकती हो। हाँ राजन। मेरे साथ तुम सत करवाओगी? सत करवाने के बाद तुम्हें चुटकी भर सिंदूर चाहिए ना? क्या नहीं राजन, मुझे चुटकी भर सिंदूर चाहिए। कुछ देरों के लिए ठहर जाओ, उसके बाद तुमको चुटकी भर सिंदूर दूंगा। ये 14 कोस का राज महेंद्रपुर है। उस राज में एक सती था, हमारी पत्नी इस दुनिया से चल बसा। एक शंकर और एक सुशीला मेरा बेटा और बेटी है। मैंने मंत्री के बहकाव में आकर मैंने जंगल का यात्रा किया।
जंगल में शिकार खेलने के लिए आया, मेरे हाथ का शस्त्र था वो लेकर भी भाग गया और जंगल से भी छोड़कर भाग गया। मैं पानी के बिना त्रस्त त्रस्त के मर रहा था, पानी पानी ये जंगली की दया हुई तो मुझे एक चुरुआ पानी पिला दिया। मैंने इससे वादा कर दिया कि मांगो क्या मांगती हो, तो इन्हें कुछ नहीं मांगा और मांगा तो बहुत कुछ मांग दिया। चुटकी भर सिंदूर मुझसे मांग लिया, ठीक है मैं तुम्हारे साथ सत बनाने के लिए तैयार हूँ, एक सत दो सत तेरे सत से सत करूँ, 80 को नरक करूँ। बोलो तुम्हें चुटकी भर सिंदूर न चाहिए? क्यों नहीं राजन, बैठ जाओ मैं तुम्हें सिंदूर चुटकी भर में देती हूँ। आज से तू सिंदूर का लाज जरूर रखना, ऐसा नहीं हो कि कहीं गणेश जी के यहाँ भाग जाना। जिंदगी है मगर पराई है, तुम्हारी पत्नी हो गई लेकिन आज तू मेरा पता नहीं पूछ सकी कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, कैसे इस जंगल में आए। अगर अच्छा? अगर तुम इस्लाम जी थोड़ा आइए नाल पर, अगर कुछ पूछ देती तो तुम्हारा भी दिल की तसल्ली आ जाती। अब कहाँ तोरा का
बच्चे हलिया हो राजा हो सच्चे सच्चे हलिया हो राजा हो सकल के आना घबराओ नहीं, जब तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर दे दिया तो हमारी साथ तुम्हारे जिंदगी कटेगी, लेकिन 14 कोस का राज महेंद्रपुर है, क्यों नहीं? उस राज का मालिक मैं हूं, लेकिन एक बात है, अगर हमारी बात सुनने पर तुम अगर नहीं घबराओगी, कौन सा बात है? तो मैं कह सकती हूँ, कहिए ना। क्या ना घबराओगी तुम? नहीं, मैं नहीं घबराऊंगी। हमारा के तेरा हमारी हैरानी है, आए है दुई गो लड़ी का बाल है सुंदरी
मेरी बात सुनकर तूने धरती पर मुरछा कर गिर गई, लेकिन मेरे भगवान कोई चीज का कमी नहीं दिए हैं। 14 कोस का राज है महेंद्रपुर, लेकिन मेरे पास एक बेटा शंकर है और एक सुशीला। अगर उसे तूने देखभाल करेगी तो तुम्हारी बहुत चापसी होगी, और महेंद्रपुर जाने के बाद मेरा बेटा शंकर और सुशीला तुम्हें मामा कह के पुकारेगी। क्या मेरा बेटा को देखने के लिए तैयार है? देखिए कितनी की इच्छा हुई कि आज मेरे साथ शादी कर ली, और शादी करने के बाद मेरे साथ महेंद्रपुर चलने के लिए तैयार हो गया, और हमारा बेटा शंकर और बेटी सुशीला से मिलने के लिए तैयार हो गया। आहे तो हरा के अभी आपने देखा दुनू बलियाई दुनू गोतनी मिलजुली खलियाई अपूर्वा के दलियाई छोड़ बोलो भैया राम 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 सीता राम उच्चे बुरबा सुतल छई मरैया देख लो यहाँ का लोग मेरा कैसे हैं और इस राज का खुशहाली कैसा है। इसे तुम खुश हो ना? बिल्कुल खुश हो ना? कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है? ए जी राजा जी महाराज को अरे चरणों में प्रणाम। राजा जी महाराज को चरणों में प्रणाम। खुशी दिल से दीजिए राजा जी अरे मुझको आशीर्वाद। तो खुश रहो या बाती रहो अरे जुग जुग की यो याद। हो या बात रहो और जुग जुग जी हो याद
आँखों से दिल से देता हूँ तुझे आज आशीर्वाद। अरे कुर्सी पर तसरी मेहरबान मन लाइए कुर्सी पर तसरी। अरे क्या खता मुझसे हुआ अरे क्या हुआ तकली किस बात की चिंता में और गुस्सा हुए है आज तो किस बात की चिंता में और गुस्सा हुए है आज राजा को फरमाइए प्रीतम प्राण आधार। महाराज मुझे ये कहना है कि आप जंगल में शिकार करने गए थे और ये साथ में मैं एक औरत को देख रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है कि आपकी पत्नी कब की मर चुकी है और दो संतान आपके शंकर और सुशीला महल के अंदर है और ये नारी का इधर से लेके आ पाए। आपका कहना सब जायज है। मैंने जंगल का यात्रा मंत्री के साथ किया था, मंत्री बहकाव में लेकर मुझे जंगल ले गया शिकार खेलने के लिए। जंगल में मैंने गया शिकार खेलते खेलते मूर्छा कर मैंने गिर गया। अच्छा, मेरे हाथ का शस्त्र जो था मंत्री लेकर भाग गया। ऐसी बात? हाँ, उधर से बाघ और हरिन मुझ पर वार किया। मैं पानी पानी करके तरस रहा था, यही बंजारीन औरत ने मुझे एक लोटा पानी पिलाया। मैंने इसे कह दिया कि मांगो इनाम में तुम क्या मांगते हो। एने कह दिया मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेरे साथ सत कीजिए। सत करवा कर मांगा तो कुछ नहीं और मांग लिया तो चुटकी भर सिंदूर मांग लिया। तो चुटकी भर सिंदूर तो बहुत बड़ा चीज हो गया महाराज। हाँ, ये तो 14 कोस महेंद्रपुर शहर की ये महारानी बन चुकी है। ये बताइए, लेकिन जब महल के अंदर आप जाएंगे तो शंकर और सुशीला आपसे पूछेंगे बेटा और पिताजी ये क्या कर खेला है। वो तो जरूर पूछेगा, लेकिन मजबूरी आपकी थी वहाँ पे। हाँ, मेरा मजबूरी। अगर ये बिजली बंजारन उस जंगल घंघोर जंगल में पानी अगर नहीं पिलाती तो आप जान दे सकते थे, आपकी जान जा सकती थी। जरूर था। ठीक है महाराज। अरे बोलना गाना बंगल से सजाना उसकी माँ और उसकी पत्नी अपने पति से पूछ